जानेंगे। स्वामी दयानंद के जीवन में एक छोटी सी घटना ने बड़ा बदलाव ला दिया। महर्षि दयानंद का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम मूलशंकर था। मूलशंकर के माता पिता की भगवान शिव में बहुत आस्था थी। एक बार महाशिवरात्रि का त्योहार का दिन था, सब लोगों ने व्रत रखा था, मूलशंकर ने भी व्रत रखा था। तभी उस दिन से उनका विश्वास मूर्ति पूजन से उठ गया। उनके जीवन में एक और घटना घटी जिससे उन्हें भगवान बुद्ध की तरह संसार से मोह छूट गया। और उनकी बहन की भी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद उनके प्रिय चाचा की भी मृत्यु हो गई। इन दोनों की मृत्यु के बाद मूलशंकर चिंतित होकर सोचने लगा। जब वे चिंतित रहने लगे तो उनके माता पिता ने सोचा कि शायद विवाह के बाद वे वापस पहले जैसे हो जाएं। मुझे मूलशंकर की यह हालत देखी नहीं जा रही, क्यों ना हम उसका विवाह कर सकते, शायद वो खुश रहेंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा। परंतु वे विवाह नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने घर त्याग दिया और सच्चे गुरु की खोज में निकल गए। वे नर्मदा नदी के किनारे पहुंच गए। वहां स्वामी पूर्णानंद के आश्रम में गुरुजी, क्या मैं आपके आश्रम में रह सकता हूँ? अवश्य, तुम अपने घर के लाओगे। परंतु कुछ समय रहने के पश्चात भी उनको उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। वह गुरु की अनुमति लेकर फिर से सच्चे गुरु की खोज में निकल गए। आखिर में वह मथुरा पहुंचे। वहां स्वामी विरजानंद के आश्रम में दयानंद सरस्वती ने पूरे देश में घूम घूम कर समाज की कई बुराइयों को मिटाया। बाल विवाह रुकवाए, विधवाओं के पुनर्विवाह कर
करवाए। छुआछूत को लोगों के मन से निकाला। स्त्रियों व शूद्रों को पढ़ने का अधिकार दिलाया। सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने 7 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद जी दूरदर्शी थे, उन्होंने आधुनिक भारत की जरूरतें पहले ही समझ ली थी, इसलिए उन्होंने वेदों के ज्ञान का प्रचार किया। आगे चलकर उनकी दिखाई दिशा में डीएवी स्कूल खोले गए। पहला डीएवी स्कूल लाहौर में खोला गया, जिसके हेडमास्टर लाला हंसराज थे। कई दिग्गज डीएवी स्कूल में पढ़े, उन्हीं में से एक थे शहीद भगत सिंह, जिन्होंने भारत की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। दयानंद सरस्वती का निधन 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली की रात को हुआ, परंतु उनके दिखाए गए मार्ग पर हम सदैव चलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।